हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाने वाली हूँ, जो भी मैं प्लांट की शॉपिंग करके लाई थी। तो चलिए मैं कुछ प्लांट आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे उनको रिपोर्ट करना है और कैसे उनका सॉयल मिक्सर तैयार करना है। तो चलिए मेरे साथ। इसमें एनुअल क्रिजेंथिमम है। मैंने बोला था वीडियो बनाने में कि मेरे नीचे के उसमें ग्राउंड फ्लोर में जो गार्डन है उसमें लगा हुआ है। तो ये येलो वाला है शेड, तो ये अब ख़राब हो गए हैं पौधे, तो अब इनको मैं हटाने वाली हूँ। इसी पॉट में कनेर लगाऊंगी। अब इनका सीजन खत्म हो गया है। अब मैं इसमें इस सॉइल मिक्सर में मैंने ग्रो बैग की सॉइल तो थोड़ी सी धूप में फैला दी है, पर इसको मैं नहीं फैलाने वाली। इसको तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं एंजाइम मिला रही हूँ मिट्टी को रिन्यू करने के लिए। जो कि मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, थोड़ा सा कैल्शियम ग्रेन्यूल मिला देती हूँ, ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी। और ये है मल्टी और थोड़ी सी नीम की खली। और मेरे पास किचन कंपोस्ट है, उसको मिक्स करूंगी मैं। जगह जगह गड्ढा खोद के बनाती रहती हूँ। ये है मेरी किचन कंपोस्ट, इसमें सूखे पत्ते भी हैं। थोड़ी सी इसमें मैं राख ऐड कर रही हूँ। राख मैंने बहुत सारी इकट्ठी करके रखी है, ये फंजीसाइड का काम करती है। अब मैं इसको मिक्स किए ले रही हूँ। इस समय पतझड़ हो रहा है, तो आप बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके रख लीजिए। मैंने तो बहुत सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि पूरे ड्राई हो जाते हैं। आप इनको क्रश कर लीजिए और मिट्टी में मिक्स कर लीजिए, तो मिट्टी आपकी बड़ी पोरस हो जाएगी और प्लांट को कार्बन के सोर्स होते हैं ये पत्ते लीफ जो इकट्ठे होते हैं ये ड्राई वाले, तो ये प्लांट को न्यूट्रिएंट भी देंगे। ये मैंने मिक्स कर लिए। अब मैं ये प्लांट लगाने वाली हूँ। बड़ा सुंदर सा कनेर है ये, देखिए। उस समय तो कम फ्लावरिंग आ रही थी। ये रेड जितने भी पुणे से प्लांट आते हैं ये सब में रेड सॉयल होती है, लेकिन यहाँ पे रेड सॉयल में प्लांट चल नहीं पाते ये, तो इनको इस सॉयल को हटाना होता है। धीरे धीरे प्लांट मर जाता है।
अब मैंने पूरी सॉइल तो हटा दी है, देखते हैं प्लांट का क्या होता है। डर तो लग रहा है, प्लांट कई बार सॉइल हटाने से प्लांट खराब हो जाता है, पर अगर ये सॉइल रहेगी तो प्लांट तब भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है कि रेड सॉइल में जो भी ये प्लांट लगे होते हैं तो बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, धीरे धीरे करके प्लांट पूरा गल जाता है। तो मैंने पूरी सॉइल हटा दी है, अब देखते हैं आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि प्लांट चलता है कि नहीं चलता है। वैसे तो बहुत महंगा प्लांट है, बहुत दुख होगा ख़राब हो जाएगा तो। अच्छे से इसको प्रेस करके लगा देना है, और कभी भी रिपोर्टिंग करिए तो हमेशा शाम को करिए, जिससे कि प्लांट दिन की गर्मी और धूप से बच जाता है, स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ता। रात भर में प्लांट हमारा सही हो जाता है। और आप रिपोर्टिंग करने के बाद छाया में ही रखिए, धूप में नहीं रखिए एक हफ्ते तक। ये मैंने इसमें लगा दिया है, अब मैं इसमें अच्छे से पानी इतना डालना है कि पानी नीचे से निकल जाए, इसमें इतना पानी दे देना है, और इसको कहीं छाया में एक हफ्ते के लिए रख देना है। इसके बाद इसको आप सन में रख सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट आसानी से मरता नहीं है। अब ये मैं पेंटास लगाने वाली हूँ, मेरे पास ये पॉट खाली है क्योंकि इसमें पेंटास ही था जो कि ख़राब हो गया। इस तरह से रूट बाउंड हो जाती हैं, पूरी जड़ से भर जाता है ये। इसमें गेंदा लगा दिया था मैंने सीजनल वाला, अब इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ी सी एक मुट्ठी राख। उसी प्रोसीजर से हमेशा मैं बताती हूँ ये, और ये है किचन वेस्ट और सूखे पत्ते। और ये है एक मुट्ठी मल्टी न्यूट्रिएंट, थोड़े से कैल्शियम ग्रेन्यूल्स, बहुत थोड़े से ये कैल्शियम ग्रेन्यूल, और ये है एंजाइम। एक मुट्ठी एंजाइम, और ये मिलाऊंगी थोड़ी सी नीम खली एक मुट्ठी। इन सबको मिक्स कर लूंगी अच्छे से, के बाद इसमें ये होल में ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गमले का टूटा हुआ रख दो, और बड़े बड़े पत्ते मैंने नीचे बिछा दिए हैं जिससे कि गल जाएंगे और पोरस भी रहेगा। और अब मैं इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ, इसको हमेशा ऐसे निकालिए, आराम से निकलेगा। इसमें तो रेड सॉइल नहीं है, तो इसको मैं कुछ भी हिलाने वाली नहीं हूँ। चारों तरफ इसको अच्छे से प्रेस करके
उस तरह से मैंने लगा दिया। अब इसमें भी पानी डाल दूंगी, इसमें भी पूरा भर देना है पानी से। आज तो दो ही प्लांट रिपोर्ट हो पाए हैं, बाकी के जो भी प्लांट्स रिपोर्ट करने हैं उनका वीडियो भी आगे आपको मिलेगा। तो आज शाम हो गई है तो आज मैं दो ही प्लांट्स रिपोर्ट कर पाई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं आज आपको अगले दिन मिल रही हूँ, क्योंकि कल तो केवल दो ही जो है प्लांट रिपोर्ट हो पाए थे। तो चलिए मेरे साथ, मैं कल जो प्लांट रिपोर्ट किए थे उनको भी दिखा देती हूँ आप कैसी हालत हो रही है, और जो आज मैं दो से तीन प्लांट रिपोर्ट कर पाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको, और बाकी मैं और भी दिखा देती हूँ कि मैं पुदीना लगाने की भी तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने पानी में डिप कर रखा है, ये देखिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के बाद अगली वीडियो की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये मैंने पुदीने को पानी में डिप करके रख दिया है, तो इसमें जड़ें निकलने लगी हैं, ये देखिए हल्की हल्की जड़ें आ गई हैं। तो मैं आपको पुदीना लगाना भी बताऊंगी। ये मैंने पुदीना, और अगर मुझे मिल गया पुदीना तो मैं और भी इसको पानी में डिप कर दूंगी। तो इसमें रूट्स निकल आई हैं, और ये है शकरकंद। शकरकंद को भी मैंने ग्रो किया है, और काफ़ी पहले मैंने मिट्टी में दबाया था, अब आज मैंने इसको पानी में डिप किया है। ये देखिए इसमें भी काफ़ी रूट बन रही हैं। तो ये शकरकंद है, और तो आप इस सीज़न में पुदीना भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी हालत कैसी हो रही है। अभी इसकी हालत ख़राब है, जबकि मैंने शेड में रख रखा है इसे, और कल तो फ्लावर लटका हुआ है। ये फ्लावर पहले कल सही थे, अब देखिए क्या होता है इसका। लग तो रहा है कि लग गया है, क्योंकि ये वाला जो है ये एकदम सही है, पत्तियाँ ठीक लग रही हैं, पर फ्लावर लटके हुए हैं, ये भी थोड़ा सा ऐसे है। और ये है पेंटास, जो मैंने कल रिपोर्ट किया था, इसकी हालत ठीक लग रही है। इसको यहीं अभी शेड में ही रखूँगी। तो अब मैं, चलिए मैं जो और प्लांट हैं उनको रिपोर्ट करती हूँ, क्रोटन और का। आम का अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी रिपोर्ट, इसको मैं करूँगी तो मैं करने के बाद ही दिखा दूँगी आपको। आज तो मैं ये लेंटाना और ये क्रोटन आज मैं यही रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो चलिए, ये मैंने पॉट मेरा खाली था, इसमें ये लगा था मेरा मनी प्लांट, और इसको मैंने खाली कर लिया है। और खाली करने के बाद अब इसमें मैं क्रोटन लगाने वाली हूँ, उसी तरह मिट्टी में ऐड करना है। आज मैं गोबर की खाद ऐड कर रही हूँ, क्योंकि किचन कंपोस्ट मेरी अभी निकाल नहीं पाई हूँ, मटके में बन रही है, तो थोड़ी सी मैं इसमें मिला रही हूँ गोबर की खाद। गर्मियों में थोड़ा सा गोबर की खाद कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्लांट्स को नुकसान करती है। वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट हो आप उसको मिलाएं। ये मिला रही हूँ मैं मल्टी, जैसे कि मैंने कल मिलाया था, और थोड़ी सी राख, राख इसलिए मिलाते हैं कि प्लांट्स में फंगल इन्फेक्शन से बच जाता है, इसलिए हम राख का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम, एक मुट्ठी एंजाइम, और मैं मिला रही हूँ नीम की खली, जैसा कि मैंने कल मिलाया था। आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा, क्योंकि नीम की पत्तियों से थोड़ा सा कैल्शियम ग्रेन्यूल ज़्यादा गिर गए। अब मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। जिससे कि हमारी मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाएगी।
अब मैंने इसमें जो इसका होल है, मैंने इसमें ये दिए हैं टूटे, वो रख रही हूँ। ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रख दिया मैंने और अब मैं इसमें ये वाला सॉइल मिक्सर डाल रही हूँ। इसको मैंने यहाँ से फाड़ दिया है क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, इसकी जड़ बाहर निकल रही है। इसको मैं एज इज सच ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि इस पर रेड सॉइल तो लगानी है। थोड़ा सा मिट्टी को लूज कर दूंगी। तो हमेशा आप एक हाथ से प्लांट को बीच सेंटर में पकड़े रहिए और साइड से आप मिट्टी भरिए एक हाथ से, तो प्लांट एकदम सेंटर पे रहता है और अच्छे से सेट हो जाता है। और अच्छे से प्रेस कर देना है साइड से जिससे कि प्लांट एकदम सेट हो जाए। ये वाला हमारा प्लांट लग गया। अब इसमें हमें पानी डाल देना है। पानी इतना डाल देना है, कल भी बताया था मैंने, पानी इतना डाल देना है कि पूरा होल से बाहर आ जाए। एक बार डालने के बाद एक बार और डाल दीजिए जैसे ही पानी नीचे जाता है। तो ये हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया। ये दो पॉट है मेरे खाली, इसमें मैं लगाने वाली हूँ लेंटाना। ये इस बार मैं पहली बार लेकर आई हूँ। ये मेरा सॉइल मिक्सर तैयार ही रखा है क्योंकि मैंने वेजिटेबल के लिए तैयार किया था। इसमें बैंगन मैं ब्रिंजल शिफ्ट करने वाली थी अपने पुराने, क्योंकि इससे पहले वो छोटे ग्रो बैग में थे इस साइज़ के, अब मैंने बड़े थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग तैयार किया है। तो मैं सोच रही हूँ यही वाला सॉइल मिक्सर ले लेती हूँ। क्योंकि वेजिटेबल के ग्रो बैग तो मैं लेयरिंग बिछा के करती हूँ, उसमें तो लेयर बिछा रखी है मैंने। अब मैं इसमें लेंटाना शिफ्ट करने वाली हूँ। ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी में लगा हुआ है। इसमें तीखी सी स्मेल होती है।
अब इसमें पानी डाल देना है। इसमें भी अच्छे से पानी डाल देना है, पूरा भर देना है। अभी मैं क्रोटन में और डाल दूँ पानी, क्रोटन में भी और डाल दे रही हूँ जिससे कि होल से बाहर आ जाए, इतना पानी हो जाए। ये हो गए मेरे रिपोर्ट। तो ये मेरे रिपोर्ट हो गए इतने प्लांट। आज मैंने 3 प्लांट किए हैं, कल 2 प्लांट हो पाए थे। अभी मेरा मैंगो रखा है, मैंगो करना है क्योंकि अभी जो एनुअल क्रिजेंथिमम है उसका पॉट खाली नहीं है, तो उसको भी मुझे लगाना है, वो भी मैं रिपोर्ट करूँगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं कर पाई तो ऐसा ही सेम सॉयल मिक्सर आपको तैयार करना है वो, क्योंकि मैंने हाफ ड्रम, नील वाला जो ड्रम आता है उसमें हाफ कट करके उस ड्रम में लगाने वाली हूँ। तो लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने कहाँ पे उसको लगाया है। तो अगर ये मेरा रिपोर्टिंग का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।